This call is now being recorded. गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर एक्स। ओके, हमारे पास इक्वेशन है 9x/7 - 6x = 15। 15 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 रख दिया है। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 9x × 1, इट विल बी 9x एंड 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 - 6x। यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए 15 से ब्रैकेट के अंदर की हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बी 15 × 7 = 105 माइनस ये देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 15 × 6 = 90x। अब हम द टर्म्स कंटेनिंग एक्स मीन्स जिन जिन में एक्स है उनको एक साइड करेंगे, तो यहाँ 90x नेगेटिव है तो ये यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9x + 90x = 105। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9x + 90x, ये हमारा हो गया 99x = 105। तो x की वैल्यू 105/99। अब इसको सिंप्लीफाई हो सकता आगे, तो 3 से हमने कैंसिल कर दिया, 3 3 = 9, 3 5 = 15 और 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो दिस इज 35/33। तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसकी हो जाएगी 1 and 2/33। ओके, इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें ऑलमोस्ट सेम है, 3y, इसको y की वैल्यू निकालनी, 3y + 4/2 - 6y = -2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 (3y + 4) - 2 (2 - 6y). मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 = 15y हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया, और -2 × 2 - 4 हो गया, -(+) 2 = 12y। अब हम y वाले टर्म्स को एक तरफ रख देंगे, दिस इज 15y - 12y (-4 - 20), इट इज -24। सो y = -24/3, तो 3 8 = 24, इट विल बी -8। ओके, नाउ we are going for question number 6. This is question number 6. देखिए हमारे पास ये है, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो देखो इनकी ages का ratio हमारे पास है, ratio of present ages of Hari and Harry, this is 5:7। अब हम इनको सेपरेट करेंगे तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 5 × x and 7 × x। हरी इज प्रेजेंट एज हो गई 5x और हैरी इज प्रेजेंट एज हो गई 7x। 4 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 4 years, तो हरीज एज जितनी प्रेजेंट है उसमें 4 ऐड हो जाएगी और हैरी की भी प्रेजेंट एज है उसमें 4 ऐड हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ देयर एजेस मीन्स 5x + 4/7x + 4 = 3/4। फिर वही जैसे हम सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 (5x + 4) और 3 (7x + 4). तो 4 5 = 20x + 4 4 = 16 = 37 = 21x + 3 4 = 12। तो ये हमारा हो गया एक तरफ कॉन्स्टेंट्स और एक तरफ टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स। तो 20x - 20x और 16 - 12, तो ये हो गया x = 4। अब हरी की प्रेजेंट एज है 5x, तो इस इट मीन्स एक्स 4 है, तो 5 × 4, तो दिस इज 20 ईयर्स। एंड हैरीज प्रेजेंट एज विल बी 7 × 7x, सो इट विल बी 7 × 4, 28 ईयर्स। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the numerator obtained is 3/2. Find the rational number. देखो हमारे पास है रैशनल नंबर का न्यूमरेटर मान लो x है, तो इसका डिनोमिनेटर इट इज 8 > न्यूमरेटर, इट मीन्स इट इज x + 8, तो रैशनल नंबर होगा x/x + 8। अब नई कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, पहले x था अब x + 17 हो जाएगा,
एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई वन, पहले एक्स प्लस एट था तो उसको एक्स प्लस एट माइनस वन कर देते हैं, तो दिस विल बी एक्स प्लस सेवन। न्यू रैशनल नंबर ओबटेंड इज 3/2। न्यू रैशनल नंबर हमारे अकॉर्डिंग होगा एक्स प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस 7। ओके, और बुक वालों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज 3/2। तो एक्स प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 17 और 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 7। तो दिस इज 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। इसको राइट में लेके जाइए, इसको लेफ्ट में लेके आइए। तो 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। 3x माइनस 2x करेंगे तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। x 13 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा 13 आ गया, तो डिनोमिनेटर 13 प्लस 8 हो जाएगा, दिस इज 21। तो रैशनल नंबर हमारा 13 अपॉन 21 हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। आफ्टर समर वेकेशन वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। थैंक यू सो मच।